come on, no, come on, no. This is for a no, yes. Mama, I know how to eat that. फैमिली टाइम और हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को वक्त देना एक खुशगवार और मज़बूत रिश्ते का बुनियादी हिस्सा होता है। इससे ना सिर्फ घर का माहौल अच्छा रहता है बल्कि दोनों के आपस का इत्तेहाद और मोहब्बत बढ़ जाती है। इसका असर ना सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते पर ही नहीं बल्कि बच्चों की तरबियत पर भी होता है। सो अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल नौश सिस्टर व्लॉग्स। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है हमारी कि हम जा रहे हैं बाहर कि हम टाइम स्पेंड कर सकें और बच्चों को हम लेके जा रहे हैं यहाँ पे मॉल। तो वीकेंड का दिन है तो नो कुकिंग नो शुकिंग। यहाँ पे मैं कोई रेसिपीज़ कुछ नहीं शेयर करूँगी, बस हम यहाँ पे निकल रहे हैं बाहर के लिए बच्चों को लेके। तो बस आप भी हमारे साथ चलिए, घूमिए फिरिए। हम जहाँ जा रहे हैं तो आप भी यहाँ पे, हम जा रहे हैं यहाँ पे मॉल, तो आप भी देख लीजिए कि यहाँ के मॉल कैसे हैं। और ये जो मॉल है ये दूसरा मॉल है जो हम पहले गए थे, यानी मैंने पहले व्लॉग में डाल दिया था, ये वो नहीं है, ये दूसरा मॉल है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी, यहाँ पे बच्चे भी रेडी हो चुके थे और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि उनको पता चला कि दूसरा मॉल जाना है, यानी कि सलार सिटी बोल के है ना, तो वहाँ पे जाना है अलियान को ख़ास करके, क्योंकि उसको स्कूल में बोल दिए थे कि सलार सिटी जाना है, आप लोग जा सकते हैं बोल के। तो इसलिए यहाँ पे हम निकल चुके हैं, हमारी सवारी जो है यहाँ पे निकल चुकी है, हमने पढ़ ली है दुआ। तो चलिए चलते हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ये तो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पे तो कोई रिश्तेदार होते नहीं हैं, हो या ना हो, फिर भी हम अपने बच्चे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ वक्त देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे देखिए इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे विलाज हैं, तो बस हमारा घर भी यही है इन विलाज में। ये देखिए सामने का कितना अच्छा विला था वो। तो यहाँ पे देखिए ये मस्जिद यहाँ पे भी आएगी, इतनी बड़ी मस्जिद है जहाँ पे, यहाँ पे हम आते थे फ्राइडे के लिए नमाज को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी मस्जिद है अल जजीरा की। तो हमारा घर अल जजीरा में है, कितनी बड़ी मस्जिद है ना यहाँ पे, बहुत अंदर भी बहुत अच्छा है, औरतों के लिए खासकर लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर जो लोकल है उनका बैठने के लिए भी अलग है और हमारा उर्दू में सुनने के लिए वो भी अलग है। तो ये देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए थे मॉल, तो अब हम चलेंगे अंदर। चलो चलो कम तो हम पहुंच गए थे मॉल। तो हम तो आ गए थे टैक्सी से, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमने कार अपनी ख़रीदी नहीं है, तो वही चल रहे हैं मसले मसाइल। तो हम जब मॉल के अंदर यहाँ पे अंदर जा रहे हैं तो सामने यहाँ पे देखिए इतने सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, तो फिर बाद में यहाँ पे सामने दिख गया था परफ्यूम शॉप जो होते हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें कुछ लेना है तो ले लो यहाँ से। तो जब हस्बैंड बोल रहे हैं तो मना नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, जब भी हस्बैंड बोल दे कुछ ले लो तो ले लें, मना ना करें। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर चुके थे कि परफ्यूम कौन सा लें। तो ये ऑयल बेस है, इसमें नमाज भी होती है। यहाँ पे देखिए इतने सारे ये यहाँ पे थे ना, ये मुझे तो सूंघ के मतलब ये हो गया था कि नोज समझ ही नहीं आ रहा था। बाद में लास्ट में तो सबकी स्मेल सेम ही लग रही थी, बट फिर भी हमने दो ले लिया। हस्बैंड ने कहा था कि तुम ले लो, बट साथ में वो भी ले लिए। तो ये ग्रीन वाला मेरा है और वाइट वाला हस्बैंड का है। Take that one, take that bottle. Yes, that's one.
अभी तो हम एंटर हुए थे और हमने ले लिए थे परफ्यूम, तो हस्बैंड ने कहा कि इसको लेके हम लोग कहाँ फिरेंगे मॉल में, अभी तो हम एंटर हुए हैं। तो हमने क्या किया कि उनको ही बोल दिया कि आप अपने पास ही रख लें, जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम अपने साथ लेके निकलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, बोल के हम उनके पास ही रख दिए। आई थिंक ये सैटरडे का दिन था, तो अभी हम लोग को ब्रेकफास्ट घर पे ही मैंने बनाया था, तो हम ब्रेकफास्ट करके ही निकल आए थे, क्योंकि बाद में फिर जो है रश हो जाता है तो फिर निकलने होता नहीं है मॉल से हो, या फिर बच्चे आते नहीं हैं जल्दी, अगर खेलने जाते हैं ना तो बच्चे आएंगे ही नहीं जल्दी। अब यहाँ पे आलियान को इतना एक्साइटमेंट था कि जल्दी से चलें साला सिटी देखें कि वहाँ पे क्या है खेलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए वो यहीं से ही नज़र आ गया, तो हम जा रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे देखिए साला सिटी, उसके बाजू में मैक्स, यहाँ पे सारे ब्रांड्स यहाँ पे भी थे। तो ये साला सिटी यहाँ पे हमको उतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि कोई था ही नहीं यहाँ पे बच्चे हुए ये खेलने के लिए मेरे ख्याल से, तो बच्चों को अलियान को भी उतना सही नहीं लगा। तो हमने सोचा चलो उसके अपोजिट में जो है वहाँ पे हम ज़रा जाके देखेंगे। अनाया को यहाँ पे शुरू हो गई थी खेलने के लिए, वो बैठ गई। ये देख, तो हम यहाँ पे आ गए थे बिली बेस। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छा है, साला सिटी से हमको तो यही ज़्यादा पसंद आया। साला सिटी थोड़ा बच्चे अगर बड़े होंगे ना तो अच्छा रहेगा उनको खेलने के लिए, तो ये हमें बहुत पसंद आया। इवन बच्चों को भी ये अच्छा लगा कि हम यहीं पे खेलेंगे। अलियान ने भी कह दिया कि नहीं मैं भी यहीं पे खेलूँगा। तो हम ये है कि हम दोनों बच्चों को एक साथ यहाँ पे छोड़ देंगे, उसके बाद जो है हस्बैंड और वाइफ का टाइमिंग स्टार्ट, यानी कि मेरा और मेरे हस्बैंड का टाइम। यहाँ पे कुछ तो मिला यार टाइम स्पेंड करने के लिए, वरना कभी ऐसा था कि बच्चों को, अनाया छोटी थी ना तो मॉल में तभी भी जाते थे तो कोई ना कोई साथ में पेरेंट बैठना पड़ता था, तो या तो कभी हस्बैंड बैठ जाते थे, मैं मॉल घूमती थी, या फिर हम दोनों ही बैठ जाते थे, तो इस तरह का सिचुएशन होता था। यहाँ पे देखिए अब हम दोनों हो गए हैं एकदम से फ्री, तो अभी ये जो टाइम है हमारा टाइमिंग है, तो मतलब एक साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना ये भी बहुत ज़रूरी है। जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना तो हमें टाइम ही नहीं मिलता था कि हस्बैंड थक के आ जाते थे, टायर्ड होते थे, तो फिर डिनर करके सो जाना, फिर मतलब ऐसे ही चलती रहती है ना, यही तो लाइफ है एक दूसरे को संभाल के जाना। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए थे बॉलिंग के लिए, तो हस्बैंड ने कहा चलो खेलते हैं, तो मैंने यहाँ पे खेला। तो माशाल्लाह से बहुत दिन हो गए थे, बहुत महीने हो गए थे खेल के, तो मैं और हस्बैंड यहाँ पे लगे रहे खेलते हुए। ज़्यादा तो मैं ही खेली, हस्बैंड सिर्फ एक या दो बार खेले हैं। यहाँ पे देखिए मेरे एक ही बॉल में गिर गए थे 8, तो अभी 2 बच गए हैं। तो यहाँ पे चैलेंज था कि अब दूसरे बॉल में मैं इसको गिराऊंगी या नहीं गिराऊंगी। तो आपको क्या लगता है मैंने गिराया होगा या नहीं? जैसे ही मतलब सेकेंड बॉल मैंने यहाँ पे डाला तो देखिए अब क्या हुआ इसको, है ना। हस्बैंड एकदम स्लो मोशन में लेके अपने फोन में उन्होंने लिया था ये, तो अच्छे से कैप्चर हुआ ये। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने वीडियो इस तरह से लिया होगा। बाद में फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैंने स्लो मोशन में तुम्हारा वीडियो बनाया है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया यहाँ पे बॉल ये, और ये गिर गए। मतलब माशाल्लाह, मतलब ये था कि एक होता है ना कि इतने दिन हो गया था खेल के, तो थोड़ा वो बॉल भी जो होते हैं वो हैवी होते हैं, तो मतलब फिर भी माशाल्लाह से मेरा हो गया। मतलब ज़्यादातर तो गिर ही रहे थे, एक भी मेरा बॉल जो है खाली नहीं गया। तो जब हमने यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया तो बहुत अच्छा लगा साथ में इस तरह का वक्त गुजार के। तो मेरा कहने का ये है कि जितना भी हो सके आप लोग भी अपना वक्त वक्त निकालें और एक दूसरे के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड तो माशाल्लाह से खेलते हैं, वो तो एक्सपर्ट है खेलने में। तो हम यहाँ पे खेल चुके थे, हो गया था हमारा खेलना, तो अभी कुछ खाने का मन कर रहा था, तो और साथ में कुछ बातें भी थी करने की, तो हम बैठ गए यहीं पे। तो यहाँ पे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था चिकन फिलेट्स और फ्रेंच फ्राइज़ और लेमन मिंट, तो बस हम यहीं पे बातें करते हुए अपना स्नैक्स यहाँ पे खा लेंगे। बहुत अच्छा जगह थी ये, बहुत अच्छा लगा था हमने जो टाइम स्पेंड किया।
और बच्चे वहाँ पे मज़े कर रहे थे, बच्चे भी खेल रहे थे और हमें भी फिक्र नहीं थी कि बच्चे भी खेल रहे हैं। तो इस तरह का रहा ना तो अच्छा होता है, तो वरना घरों पे बच्चों को छोड़ के तो हम जा नहीं सकते हैं ना। बच्चे तो छोटे हैं, अगर बड़े रहते हैं तो बात वो अलग है। तो यहाँ पे देखिए हम वहाँ से निकल गए, तो यहाँ पे मॉल में ये मूवी सिनेमाज भी है, तो वही देख रहे थे हम लोग ठहर के कि कौन सी फिल्म अब चल रही है। ये देखिए बहुत अच्छा था ये भी मॉल और थिएटर जो है, मूवी थिएटर, ये भी अच्छा है, लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए मॉल का डेकोरेशन जो है कितना अच्छा है, हमें अच्छा लगा। उस मॉल से भी हमें ये मॉल बहुत अच्छा लगा। अभी हो गया था टाइम 1 घंटा, तो हम जाके देख रहे हैं हम के बच्चों को हम ले लें तो जो है लंच के लिए कहीं चले जाएंगे फिर हम। तो ये देखिए अनाया यहाँ पे भाग रही है। Go bring a lamb back. He's playing inside. Yeah. Go bring him. दोनों तो गए थे अंदर साथ में, लेकिन अब वो फिर अपने में खेलने में मसरूफ हो गए, तो अनाया बस वही कह रही है। तो अनाया को आना था बाहर, तो हमने अनाया को ले लिया। अब अनाया को यहाँ पे कुछ चाहिए था, उसको दिख गया उसके लॉलीपॉप, तो यहाँ पे मैं इसको एक दिलवा दूँगी, डैडी है ना दिलवा देंगे। ये देखिए उसको तो पिंक कलर उसका बहुत फेवरेट कलर है, तो उसने पिंक कलर का ही उठा लिया। अलियान को हमने कहा कि चलो चलते हैं लंच के लिए, तो अलियान ने कहा कि नहीं, उसको अभी और खेलना था, अभी 1 घंटा और। तो फिर हम यहाँ पे अलियान को छोड़ के फिर हम सोचे कि चलो कुछ देखते हैं, कुछ शॉपिंग के लिए कुछ है क्या, कुछ अगर मिलता है तो ले लेते हैं। और वैसे ही मॉल भी हम देख लेंगे। ओके, हम अलियान को यहीं छोड़ के निकल गए। तो ये देखिए यहाँ पे मैक्स है, सेंटर पॉइंट है, स्प्लैश भी है, तो हम यहाँ पे स्प्लैश में चले अंदर के चलो कुछ देखेंगे। खाली था क्योंकि मैंने कहा ना कि हम मॉर्निंग में ही आए थे, तो यहाँ पे तो शाम में शुरू हो जाती है रश। फिर हम यहाँ मैक्स में आ गए थे, कुछ यहाँ पे दिख गया तो हमने कुछ शॉपिंग कर ली। अभी लग गई थी जोरों की भूख, अनाया को भी लग गई थी भूख और वो कह रही थी बार बार कि मम्मा आई एम टायर्ड। तो फिर हम अलियान को लेने के लिए आ गए यहाँ पे, तो अब हम अलियान को लेके चलेंगे कहीं अच्छी जगह जहाँ पे लंच हम अच्छे से कर सकें। तो ये देखिए हम पहुँच गए थे जैतून, तो ये रेस्टोरेंट हमें इतना अच्छा लगा, मुझे तो यहाँ का खाना इतना पसंद आया। अगर आप भी यहाँ पे सऊदी में रहते हैं तो जैतून में आए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना है, खासकर इंडियन बिरयानी ये सब। तो यहाँ पे देखिए हमने सोचा कि बिरयानी तो लास्ट टाइम हम खाए थे, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो क्यों ना बफे ट्राई करते हैं। तो ये देखिए तो बफे में क्या क्या रखा है यहाँ पे, बहुत सारे किस्म के सैलड यहाँ पे थे, तो मैंने भी ले लिया प्लेट। तो हम आ गए थे लेट, ऑलमोस्ट हो गया था 2:30, तो अभी पक रहा था, वो लोग ला के रख रहे थे। तो बस हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या है। एक तो था यहाँ पे ज़ीरा राइस और चिकन ग्रेवी, मटन ग्रेवी और फिश फिलेट्स था। तो यहाँ पे हम ले रहे थे मटन, आई थिंक ये मटन ग्रेवी था होगा, मुझे भी उतना भी याद नहीं है। ये मटन का सूखा जो बोलते हैं वो था। बहुत सारे वैरायटीज थे, हमें बफे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें ज़ोरों की भूख भी लगी थी। अगर भूख आपको ज़्यादा होती है तो आप यहाँ पे बफे ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए दाल मखनी और नान थे, दो किस्म के मीठे थे, यानी कि बादाम खीर और शायद कद्दू का मीठा। हाँ, ये देखिए हमने अपने अपने प्लेट्स में खाना ले लिया था। मैंने लिए था चिकन ग्रेवी, ज़ीरा राइस और थोड़ा सा मटन का सूखा। हाँ, ये देखिए फिर बाद में मैंने यहाँ पे डेजर्ट ट्राई किया, तो मैंने लिया था कद्दू का मीठा और अनाया के लिए लिया था मैंने बादाम की खीर। अनाया को बादाम की खीर बहुत पसंद आई, तो मैं अनाया को बादाम की खीर यहाँ पे फीड कर रही हूँ।
खाना तो हमने यहाँ पे अच्छे से खा लिया था, पेट भर के बच्चों ने और हमने अच्छे से खा लिया। अब अच्छे से फुल हो चुके थे, अब हमें जाना था घर क्योंकि बच्चे टायर्ड हो चुके थे। यहाँ पे देखिए हमने जाते जाते ले ली थी चाय। हस्बैंड ने कहा कि यहाँ हम हारा में है ना, तो हारा में चाय अच्छी मिलती है, तो हमने सोचा चलो चाय पीते पीते ही घर जाते हैं। यहाँ देखिए आलियान तो फ़ोन में है, अनाया को नींद आ चुकी थी। तो ये था हमारा बाहर का मस्ती वाला व्लॉग, यानी कि टाइम स्पेंड ज़रूर करें अपनी फैमिली के साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही तो हमारे बच्चे भी हम पेरेंट्स को देख के वही उन पर भी असर पड़ता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।